लेकिन गूज़बम्स आ गए एकदम से, बहुत ही बादलों के ऊपर है। दोस्तों, जो आपने अभी यहाँ पर देखा, माता आई हैं और बकरे आए हैं यहाँ चढ़ने के लिए। इसको अठवाड़ कहते हैं हमारी भाषा में। 8 बकरे इसमें चढ़ाए जाते हैं। बकरे अभी माता को चढ़ाए जाएंगे। 8 बकरे होते हैं टोटल, अठवाड़ कहते हैं इसीलिए। और ये एक गांव, यहाँ नाम है गांव का सुक्यारी। सुक्यारी गाँव है, राई आगर से नीचे गाँव है। उस गाँव के लोग ये बकरे चढ़ाने यहाँ आए हैं माता को प्रसन्न करने के लिए, तो इसे अठवाड़ कहते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं, मतलब जा तो रहे हैं गाड़ी की तरफ, लेकिन गूज़बम्स आ गए एकदम से। बहुत ही अलग सा फील हुआ एक ये देख करके, दमाऊ सुन के, दमाऊ की आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, जो भी आप लोगों ने देखा, ढोल दमाऊ था, अठवाड़ थी, तो आए हैं लेके सुक्यारी गांव वाले। अब हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे की तरफ, यानी गाड़ी की तरफ, और निकलते हैं हल्द्वानी की तरफ। जय माँ हटकरघा। दोस्तों, हम लोग वापस आ चुके हैं हाट कालिका से, दर्शन वगैरह करके, आपको जैसे पता ही है। तो रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ थे यार, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। यहाँ थोड़ा सा नीचे आए तो गर्म हो गया। हम लोग दनिया में रुके थे, दनिया में हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, खाना वगैरह खाया, और अभी देखो मैं कहाँ पर हूँ। ये है डोल आश्रम। मेरे कुछ लास्ट के वीडियोज़ हैं, उनमें डोल आश्रम का जिक्र है, और डोल आश्रम पर भी मैंने एक ब्लॉग बनाया हुआ है। तो अभी जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, अभी समय हो रहा है लगभग 12:30, 12:30 के आसपास समय हो रहा है। तो अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे वापस हल्द्वानी की तरफ। कुछ मैं ग्लिम्सेस डाल दूँगा डोल आश्रम के। अगर आपको डोल आश्रम का ब्लॉग देखना है, डोल आश्रम के बारे में जानना है, तो वो मेरे पिछले ब्लॉग्स में से है। मैं इसमें उसका लिंक डाल दूँगा इस ब्लॉग में, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग हाटकालिका से वापस आ गए, मैं उसके बारे में आपको एक जानकारी साझा करना चाहता हूँ जो इस प्रकार है। हाटकालिका माता जो
मंदिर है गंगोली हाट में, वो श्री शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित किया गया था कुमाऊं भ्रमण करते समय, पहले के समय में। और यहाँ ऐसा माना जाता है कि काली माता जो है यहाँ विश्राम करती हैं। रात को पुजारी जी बिस्तर लगा देते हैं सुबह उस बिस्तर में, और ताला लगा देते हैं सुबह उस बिस्तर में, सिलवटें मिलती हैं, इसका मतलब था कि वहाँ कोई सोया। तो ये अलौकिक शक्ति है काली माता की। और एक चीज़ और है कि जैसे जो काली माता है हाट कालिका, जो भी सेना वहाँ से लड़ाई में जाती है, युद्ध में जाती है, किसी मिशन पे जाती है, वहाँ दर्शन जरूर करने आती है, जैसे कि मैंने आपको इस ब्लॉग में पहले भी बताया हुआ है। फिलहाल हाट कालिका का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। डोल आश्रम में हूँ अभी मैं, और यहाँ से अब हमने जाना है हल्द्वानी। थोड़ा थकान तो हो रही है यार, आपको लग रहा होगा चेहरे से। और अब यहाँ से निकल के हल्द्वानी घर पहुँचेंगे शाम को, उसके बाद हिम्मी चली जाएगी दिल्ली गुड़गांव, और शायद अभी मैं यहीं रहूँगा क्योंकि मेरे को कुछ काम है। और यहाँ का अगर मेरे को मौका मिलेगा तो मैं और भी आसपास के कुछ व्लॉग्स आएंगे। फिलहाल के लिए मैं इस व्लॉग को यहीं समाप्त करता हूँ, और अब आपसे मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में। आई होप आपको ये वीडियो और ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा, और लाइक ठोको यार, दबा के लाइक ठोको अगर अच्छी लग रही है वीडियोस तो अच्छे से। मैं भी क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ ब्लॉग बनाने में, ब्लॉग बनाने टाइम ऐसा होता है कि यार थोड़ा सा ना, मतलब सफ़र का जहाँ हम जाते हैं उस चीज़ का मैं पूरी तरह से इन्जॉय नहीं कर पा रहा हूँ, कर पाता हूँ या कोई भी ब्लॉगर हो वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो व्लॉग बनाने में व्यस्त होता है, थोड़ा उनकी चीज़ों में होता है, आसपास की चीज़ें वो वैसे देख नहीं पाता उतना। मैं कोशिश करता हूँ कि पूरी मैं आस्था से दर्शन करूँ, सब कुछ करूँ और आपको भी दिखाऊँ। तो फिलहाल इसी कोशिश में हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले व्लॉग्स में मिलते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, दबा के कमेंट करो, और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हाट कालिका माँ, डोल आश्रम की जय हो, और जय श्री राम।